गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और हमारे सामने जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है आपका स्टेल्थ ब्लैक कलर। तो आज की इस वीडियो में हम जिसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, आपकी एक शोरूम और ऑन रोड कॉस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मैं आया हूँ आपका रॉयल एनफील्ड जो कि आपका घोड़े ऑटोमोबाइल्स येरवाड़ा ब्रांच। अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और अवेल कर सकते हो एक्साइटिंग ऑफर्स, डील्स एंड डिस्काउंट्स को। अगर बात करूँ मैं इसके आगे के लुक की तो यहाँ पे आपको दो इस तरीके से पायलट लाइट देखने को मिलेंगी, उसके नीचे आपको अपनी क्लासिक की हेडलाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाता है, इस तरीके से गार्ड टाइप का देखने को मिलेगा आपको लाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको हेजर्ड लाइट का फंक्शन देखने को मिलता है, ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सामने आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, फ्रंट में आपको मिलती है 300 mm की डिस्क ब्रेक, बाइबर की ब्रेकिंग आपको यहाँ ऑफर करी गई है, डुअल चैनल ABS आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स और ब्लैक रेड कलर से उस पर जो आपको टायर डिकैल देखने को मिलेगा 100, 90, 19, इस तरीके से यहाँ पे आपको जो टायर साइज देखने को मिला है। फ्रंट में आपको जो है ट्यूबलेस टायर्स ऑफर करे गए हैं। अगर बात करूँ मडगार्ड की तो लोहे का मडगार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी बाइक पे आपको लोहा मिलेगा, कहीं भी आपको फाइबर का यूज़ देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बात करी जाए तो ऑयल सम्प आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरीके का गियरिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, एक नीचे चार ऊपर, इस तरीके से गियरिंग पैटर्न है। यहाँ पे साइड स्टैंड मेन स्टैंड आपको दोनों ऑफर करे गए हैं, रबराइज आपके पिलियन के और राइडर के आपको जो है फुटपैक्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करूँ मैं इसके इंजन की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 349 cc का इंजन जो प्रोड्यूस करता है आपकी 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क, सिंगल सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे मिलती है आपको 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस, और अगर मैं इस बाइक के वेट की बात करूँ तो 195 kg इस बाइक का जो है वेट रहने वाला है। वहीं अगर मैं इसकी सडल हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सडल हाइट देखने को मिलेगी आपकी 805 mm यहाँ पे आपको जो है सडल हाइट देखने को मिल जाती है। क्लासिक 350 आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, चेन ड्राइव वाली बाइक रहने वाली है, कुछ इस तरीके का स्विंग आर्म ऑफर किया गया है, हाफ आपको यहाँ पे जो है चेन कवर देखने को मिलेगा, चेन एडजस्टमेंट के ऑप्शन, सारी गार्ड विद साइड फुटस्टेप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर बात करें पीछे के टायर की तो 120, 80, 18 यहाँ पे इस तरीके से पीछे का टायर साइज ऑफर किया गया है। पीछे के लुक की बात करें बहुत ही तगड़े लुक आपको पीछे के देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें लोहे की, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन यहाँ पे टेल लाइट, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, 2024 का लेटेस्ट मॉडल अपना कहाँ गया 2024, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी तरफ तो कुछ इस तरीके की दूसरी तरफ के लुक्स हैं आपके, छोटा सा इंदौरी टाइप यहाँ पे आपका जो है साइलेंसर देखने को मिलेगा, एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, स्प्लिट सीट्स आपको ऑफर करी गई हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स आपको ऑफर करी गई हैं यहाँ पे अब आपको, ठीक है। उसके बाद पीछे ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपना एयर फिल्टर और दूसरी तरफ आपको मिलता है फ्यूज़ प्लस थोड़ा सा स्पेस अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपका पैड लग जाएगा अभी थोड़ी देर में जब गाड़ी डिलीवर होगी, उससे पहले यहाँ पे एक पैड लग जाएगा रॉयल एनफील्ड का। रॉयल एनफील्ड आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिल्वर में लिखा हुआ देखने को मिलेगा, टैंक पे पैड देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ आएंगे तो E20 का सपोर्ट, OBD2 की कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। टैंक पे आपको जो है रेड की स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी और साइड में आपको थोड़ा सा हल्का सा इंसर्ट मिलेगा रेड का, टायर पे डीकैल्स आपको देखने को मिल जाते हैं रेड से, पूरा ब्लैक आउट इंजन भी आपको देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा चौड़ा पाइप जाता हुआ देखने को मिलेगा आपको, एग्जॉस्ट का कैटलेटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल जाता है, ऑटो सेंसर आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। आते हैं ऊपर की तरफ तो कुछ इस तरीके का आपका हैंडल बार है, बार एंड्स आपको ऑफर करे गए हैं दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्लच का जो कंट्रोल देखने को मिलेगा, लीवर की बात करें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको लीवर देखने को मिल रहा है, हाई बीम लो बीम और पास का बटन आपको ऑफर किया गया, इंडिकेटर के कंट्रोल्स, सिंगल टोन हॉर्न, किल स्विच विद सेल्फ स्टार्ट बटन आपको यहाँ ऑफर किया गया है, हैजार्ड लाइट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। चाबी की बात करें यहाँ पे आपको जो है वेवी की देखने को मिलेगी अपनी, उसके बाद यहीं से आपका जो है इस तरीके से यहाँ पे आपका हैंडल लॉक भी लग जाता है, अब ये देखिए यहाँ से आप इस तरीके से हैंडल लॉक भी लगा सकते हैं। और बात करें इसके कंसोल की तो यहाँ पे आपका हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल आपका कंसोल देखने को मिलता है, 160 तक की मार्किंग है, 110 जो है इसकी टॉप स्पीड रहने वाली, न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स, बैटरी की लाइट, ABS की लाइट, चेक इंजन लाइट, लो फ्यूल की लाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ट्रिप एफ देखने को मिल रही है, ट्रिप टाइम देखने को मिलेगा, ओडोमीटर देखने को मिलेगा, ट्रिप वन देखने को मिलेगी, ट्रिप टू देखने को मिलेगी, ट्रिप एफ देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो आपको डिजिटल फ्यूल मीटर भी देखने को मिलता है, और अगर मैं इसके फ्यूल टैंक के साइज की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक, 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ ऑफर किया जाता है, और 1.5 से लेकर 2 लीटर का आपको यहाँ पे जो रिजर्व भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बाइक को ऑन करता हूँ एक बार और आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। बाइक ऑन हो गई,
कुछ इस तरीके के इसके आगे के लुक्स हैं। पीछे भी आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा और भाई दमदार आवाज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसकी रहने वाली है आपकी 2,20,000 रुपये एक शोरूम, 2,20,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। और अभी मैं आपका ढूंढे ऑटोमोबाइल्स रॉयल एनफील्ड पे, जो कि आपकी येरवाड़ा ब्रांच है, अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स एंड डील्स को। अगर हम मैं इसकी ऑनरोड कॉस्ट की बात करूँ तो ये ऑनरोड कॉस्ट करती है आपकी 2,72,000 रुपये की, 2,72,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑनरोड कॉस्ट है पुणे में महाराष्ट्र में। पीछे की डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करना मैं भूल गया, 220 mm की पीछे की डिस्क का साइज़ आपका रहने वाला है। पीछे भी आपको ABS देखने को मिल जाता है। तो ये थी कि उसकी ओवरऑल कहानी पूरी बाइक की, कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे ऐसे ही कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड रिव्यूज़। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। और जाने से पहले एक बार इसके अंदर का स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं और फ्यूज़ वगैरह आपके अंदर की तरफ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।